दिखा, वरदान दिया। उसने तुम्हें महान बनाया, पूज्य इष्ट देव बनाया। जरा याद करो उसके एहसानों को, उसने तुम्हें निर्विघ्न जीवन दिया, पुण्य की पूंजी दी। तुम कहते थे, हे प्रभु, जब आप आएंगे हम आपके सिवाय और किसी को भी याद नहीं करेंगे। अब वे कहते हैं, मैं आ गया हूं। तुम मेरी याद में मग्न रहो, बस। तुम्हारे लिए सब कुछ मैं करूंगा। तुम मग्न रहकर तो देखो, तुम्हारी सारी जवाबदारी मैं उठाता हूं। मनुष्यों का प्यार तो तूने देख लिया, अब डूब जा प्यार के सागर में, अपनी प्यार की रस्सी मुझसे बांध ले।
देख गोप गोपियों ने उसे अपने प्यार में ही तो बांधा था। मग्न हो जाओ उसके प्यार में, वो जो तुम्हें विश्व का प्यारा बनाता है। खो जाओ उसके स्वरूप में, इन पवित्र वाइब्रेशन से देह शुद्ध और निरोगी हो रही है। मैं इस देह में विराजमान फरिश्ता हूं। मुझसे निकला प्रकाश इस देह में व्याप्त होकर इसी आकार के सूक्ष्म शरीर का निर्माण कर रहा है। मेरे अंग अंग से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। आज बर्थडे में जो लेना है वो भाई जी बताएंगे, अभिजीत भाई जी, शेरू भाई जी उनको कोस बनाएंगे, पद्मा सिस्टर अभिजीत भाई जी।
ओम शांति। आज के जैसे कि इस बफर डे में ना हमने कुछ बोला भी था पहले कि जैसे अपने पद्मा दीदी का जो बताया ना कि कर्मों की गुह्य गति के बारे में एक बुक का है, लेकिन हमें एक चीज और करनी है। काफी लोगों का एक मुझे मैसेज आ रहा था कि ये अष्ट शक्ति है उनके बारे में थोड़ा और बताना। हमने बोला ठीक है, आज के दिन थोड़ा सा ये अष्ट शक्तियों के बारे में जो हमने उस दिन थोड़ा बोला था ना कि अष्ट शक्तियों में सबसे पहली शक्ति कौन सी है। वैसे तो सब शक्तियां चाहिए, लेकिन उसमें से भी तो उसके रिलेटेड ही कुछ चिंतन और हमने थोड़ा किया है, शायद आपने आप सबने भी किया होगा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो नवरात्रि या कोई अभी ये चल रहा है ना पीरियड है पितृ पक्ष, इसके बारे में कोई विशेष अभ्यास कोई कर रहे हैं क्या योग का? पहले थोड़ा ये बताना हमको। सबको जो ये माइक अनम्यूट हो रहा है ना? म्यूट पे था, अभी ट्राई करें सभी। जी ओम शांति भाई जी। तो अज्ञान काल में जो जो आत्माएं शरीर छोड़े हैं हमारे रिश्तेदार फैमिली फ्रेंड्स, तब तो कुछ नहीं कर पाए उनके लिए, परंतु अभी उनको योग का दान दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे संपर्क में अभी होंगे, हमारे नानी नाना दादा दादी या जो रिलेटिव्स हैं, तो कोई ना कोई संपर्क में हमारे साथ अभी होंगे ही। वही तो अनजान में तो कुछ गलतियां हो गई होंगी तो कुछ नहीं कर पाए, परंतु अभी ज्ञान है तो उनसे क्षमा मांगते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं और उनकी आगे की जर्नी बहुत ही वंडरफुल रहे, उनको बहुत धर्म लाभ मिले और बहुत ही वो प्रगति करे, उनकी उन्नति हो उनकी सारे क्षेत्र में, तो उसी का योग दे रहे हैं अभी निरंतर। और अकाले मृत्यु में भी जिन्होंने शरीर छोड़ा है उनकी भी आत्मा भटकती रहती होंगी, स्पेशली कोरोना काल, तब तो बहुत ही मनसा सेवा की थी उन आत्माओं के लिए, कि अभी भी वो जो काले मृत्यु से शरीर छोड़ रहे हैं और उनको तुरंत शरीर नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी योगदान मनसा सेवा तो चल रहा है। ओम शांति। जी जैसे कि हम हमारे खुद के बारे में भी आपको पहले बताते हैं कि हम खुद भी थोड़ा सा योग रोज 10 मिनट कर रहे हैं, कि एक क्षमा दान और क्षमा करना भी है, क्षमा मांगनी भी है। तो कभी ना कभी हम पूर्वज, तो बाबा ने कहा ना कि सतयुग से लेकर आपका पार्ट तो कितना बड़ा है ना, तो जाने अनजाने इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में किसी को दुख दिया होगा, बहुत कुछ हमारे हाथों से हुआ होगा पाप कर्म, तो उन सारी आत्माओं को क्या करना, सूक्ष्मतन में इमर्ज करना। वैसे ये विधि बहुत पुरानी है, लेकिन इसमें और थोड़ा गहराई में जाना, उन सभी को एक तो अगर मेरे से कुछ विकर्म हुआ होगा तो उनको दिल से माफी मांगना, और इतना हल्के हो जाना, इतना हल्के हो जाना कि बात मत पूछ। और दूसरी बात है कि उससे क्षमा माफ करना भी है और माफी मांगनी भी है। तो ये 10 मिनट योग हम करते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं ना बाबा क्या पूर्वज हो, इस संसार के तना हो, तना में तो वृक्षों को तना में बैठकर सकाश दे रहे हैं। ये सब आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप भी थोड़ा ऐसा कुछ एक्स्ट्रा योग स्टार्ट करना कि 5-10 मिनट, भले 10 मिनट क्यों भी ना हो,
लेकिन कुछ विधि करना, रोज करना। अपनी खुद की कमेंट्री हमने थोड़ा चालू किया, तो ऐसे कुछ कुछ आप करते रहना, बाकी भी कुछ करते रहना तो थोड़ा बताना, ताकि हमको भी नए नए आइडियाज सबको मिलेगी। जो ओम कर, शांति भाई। हाँ जी बोलिए। हाँ भैया, आपने क्या बताया, हम वो जरूर करते हैं डेली एक दो बार पूर्वज आत्मा के लिए। जो भी पूर्वज आत्मा है उनको शुक्रिया बोलते हैं, और जो भी हमारे साथ जाने अनजाने कुछ भी गलत दुख या अशांति हमारा हमारे तरफ से उनको गया हो तो माफी मांगते हैं, उनको विमर्श करके माफी मांगते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है भैया। क्यों जो क्यों तो उनको जब अकाउंट चित्त होता है ना भाई, जब भी हमारे का योग लगता है डेली, तो पूर्वज का हमको डेली करना है, तो हमको किसी ने बताया था माउंट आबू में, तो बहुत दिन से कर रहे भाई जी निरंतर। तो पूर्वज को और हमारे साथी कौन रहते हैं भाई जी, वो सबको करना है। तो हम डीएनए में कौन आते हैं तो उनको भी करना है, क्योंकि वो तो हमारा डीएनए ऐसा है कि तो वही पूर्वज है हमारा, तो उस हिसाब से तो हम करते हैं भाई जी। ओम शांति। जी जी भाई जी, और कोई विशेष कुछ किया है या करते हैं योग? विशेष योग बताओ, ताकि क्या होगा कि इससे सबको फायदा होगा। कुछ नया अभ्यास आपने स्टार्ट किया होगा। कई जन में देखता हूँ ना कि योग में अलग अलग चार्ट आते हैं, तो अपना खुद का भी कई 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 जन चार्ट मेंटेन करते हैं, कि कई ड्रिल्स होती है, तो कई बार वो करते रहते करते रहते करते रहते। तो ऐसा भी कुछ दिन करना कि कुछ ड्रिल्स होते हैं ना, तो आज अशरीरीपन की ड्रिल कर, फरिश्ते के पिन ड्रिल सुनना बाबा के आवाज में, और सारा दिन उसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर। ये भी एक प्रकार बहुत अच्छा हमने पहले किया था, तो अभी भी वो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसके ऊपर भी थोड़ा काम करना, ठीक है? और बाकी सब बताना। जी बोलिए। 61 ड्रिल्स है भाई जी, वो कर सकते हैं आप भी। बोले जैसे डेली एक लेके बाबा का सुन के वही चर्निंग करते रहना दिन भर, अच्छा लगता जी है। शांति भाई जी, हम जी जी तो डेली 20 बार 20 टैंकों का अभ्यास तो करते ही है, प्लस ये भी करते हैं कि स्वतः प्रधानता का 7 गुणों को परमात्मा से खुद में को डेली के रूटीन में यूज करने के 7 गुण। ओम शांति। 20 टाइम्स आपने क्या बोला? 5 स्वरूपों का अभ्यास, अच्छा, स्वदर्शन चक्र घुमाना। ओके ओके। और बताओ थोड़ा, सभी बाकी बहनें हैं ना, कापी बहन जी, दीपा बहन जी, क्या क्या योग में नवीनता क्या लाई है? आने वाले दिनों में आपने अभी गणपति का भी कई जगह पर फेस्टिवल चला होगा। शांति। जी जो भी हम हमारे संस्कारों पर वर्क करते हैं ना, कि संस्कारों पर विघ्न विनाशक बनना है पहले हमें स्वयं को, तो उस पर कर रहे हैं, और वो करने से फिर अन्य को लाभ मिलेगा। शांति। ठीक है। जी ओम शांति। और मैंने अभी 3 4 रोज से ये स्टार्ट किया है, बी के विजय भाई के द्वारा।
उसके यूट्यूब पर है योग करने की नई विधि, उसमें अष्ट शक्तियाँ का आता है, तो हम अभी डेली वो सुन रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे सुनने में अष्ट शक्तियाँ के बारे में वो बातें करते हैं, योग करते हैं उस पर, तो मैं अभी डेली वो सुन रही हूँ। ओम शांति। और जो बाबा ने पिछले संडे से मुरली की जो होमवर्क दिया है ना, चार्ट रखने का है मनसा सेवा का, वो भी हम डेली फॉलो कर रहे हैं और लिख के भी ले रहे हैं कि कितने टाइम हमने मनसा सेवा की है। आज हमने पूरा 1 घंटा मनसा सेवा की है। ओम शांति। जी तो ठीक है, ये जो पहले इसलिए बताया क्योंकि हमें थोड़ा ही कुछ ना कुछ बाबा ने बताया ना, पहले छोटे बच्चे थे तब ठीक था, योग में हम कैसे चल रहे थे, अब कैसा चलना चाहिए, तो थोड़ा सा हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है। हाँ, बाकी अभी जो देखो ये जो शक्तियों के बारे में आपको थोड़ा इसलिए बता रहे क्योंकि दुनिया में इसकी बहुत अभी जरूरत है, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास थोड़ा कम ज्यादा है, लेकिन शक्तियों की कमी है ना वो बहुत चाहिए अभी जो, तो इसके लिए थोड़ा चिंतन ही चल रहा था कि शक्तियों में भी जैसे बोला था ना कछुआ का जो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, माना थोड़ा समेट लो सब, सॉरी अंतर्मुख बन जाओ, डिटैच हो जाओ, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना बेहद के वैरागी बनो, तो जब तक ये नहीं करेंगे ना तब तो बाकी शक्तियां कुछ नहीं आएगी, और बाकी शक्तियों के ऊपर भी हमें अभी बोला था ना कि एक एक शक्तियों का उसका नाम चेंज करना, तभी सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस होकर ये जो अष्ट शक्तियां सामने लाना, और उसका नाम कौन सा हो सकता है वो चिंतन करो या तो आप लिखो भी, तो सबको टाइम है कि 1-2 मिनट का करना, अब थोड़ा योग में जाना, बाबा के पास बैठ जाना कि शक्ति का क्या नाम और हो सकता है, जैसे अभी बोला ना विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति के लिए हमने बोला कि डिटैचमेंट या तो अंतर्मुखता, बेहद के वैराग्य वृत्ति की, ऐसा कौन कौन से नाम हो सकते हैं। ठीक है, चलो हम 2 मिनट योग करते हैं, उसके बाद एक एक शक्तियों के ऊपर ऐसा ऐसा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, अभी समझ लो सहन शक्ति है, तो उसके लिए और क्या क्या नाम हो सकते हैं, चिंतन चला। सत्य भाई जी, क्या बोला, कमाने की शक्ति, क्योंकि समय आएंगे ना। ठीक है, और सहन शक्ति के लिए और क्या क्या हो सकते हैं ओम जी बोल। शांति भाई जी। सहन शक्ति के लिए आपने पूछा था, तो हमको ऐसा आया कि
बुलेट प्रूफ जो वेस्ट होता है, जैसे कर्ण का जो था ये कवच, यस उसके ऊपर से वो याद है, क्योंकि उसको कोई कुछ भी भेद नहीं सकता था, उसको इतना शक्ति था कि इवन इंद्र का भी उसके ऊपर कोई भी प्रहार उतना उसका शक्तिशाली था वो, कि कोई भी बाण आए कुछ भी आए पेनिट्रेट नहीं होता है वो उसको, ऐसा चिंतन चला, बहुत ही पावरफुल था वो कवच। जी। इसके लिए तो वो भक्ति में दिखाया ना, वो कृष्ण श्री कृष्ण जी ने क्या किया, तो उसको पहले निकाल दिया फिर वो उसको हरा दिया, ऐसा कुछ तो कहानियां बना दिया। कहने का भाव क्या था कि सबसे वो जब तक था शरीर में तो वो किसी को मार भी नहीं सकता था। और कोई और भाई जी, जितना हम स्वीकार करते हैं ना, तो स्वीकार करने से सहन शक्ति बढ़ जाती है और फीलिंग में भी नहीं आते हैं। सहन शक्ति को दब जाना कहें, बोझा उठाना किसी जी। और जी, और सहन शक्ति, शांति सहन शक्ति जैसे कि जो एग्जाम्पल था 7 days कोर्स में, कि आम के पेड़ में आम लगा हुआ है लेकिन हम पत्थर मारते हैं, वो पेड़ सहन करता है लेकिन फिर भी वो आम का फल देता है, वो टॉलरेट करता है। और फिर जब जब हम एक और एग्जाम्पल, जैसे हम मूर्ति बनने वाले हैं ना, तो हमें पत्थर जब हमें ठोक ठोक कर मूर्ति जब बनाते हैं, तो उसमें हेमा से या चीसल और हेमा से काट करके मूर्ति बनाते हैं, उसमें पत्थर को काटते हैं, तो उसमें वो सहन सा होता है लेकिन फिर वो अच्छा मूर्ति बनता है। अगर जब बोले कि हम सहन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो मूर्ति नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर वो मंदिर के जी। फुटस्टेप पे वो टाइल्स के तरह लगा देंगे, ऐसे कुछ। ओम शांति। ओम शांति। सहन शक्ति को हांजी कहेंगे, हांजी मान लेना, जी एक्सेप्ट कर लेना, आज्ञा मानना। जी ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बाबा भी कहते हैं सहन करेगा सहन सा बनेगा, सहन आ जाता है वही सतयुग का गहना बनता है। जो दीदी बता रहे, एक पत्थर जो सहन करता है उसकी मूर्ति बन जाती है, जो पत्थर टूट जाता नहीं बनता, उसके फुट स्टेप में लगा देते हैं, ऊपर नारियल तोड़ते हैं। तो कहना मतलब बाबा जो सहन करेगा सहन सा, जो सहन होता है वो सतयुग का मम्मी गहना। ओम शांति। अंकल को पकड़ा दे। ओम शांति। जो सहन करते हैं ना, उनमें परिवर्तन शक्ति भी आ जाती है। ओके, सेवन करने को परिवर्तन शक्ति भी बोलेंगे। ठीक है ठीक, मना जी जी ये थोड़ा चेक करना कि जैसे सहन शक्ति के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, और चित्र भी देखो सभी ने भी क्या बोला, जैसे किसी ने मूर्ति को मूर्ति के बारे में बताया, पंकज भाई जी ने वो ये चित्र दिखा कि कर्ण का जो होता है ना उसको मैंने बार बार वही चित्र नहीं याद रखने का, सहन करना मैंने बच्चा ही उसको पेड़ को बार बार पत्थर मार रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट शक्ति जो है ना सामान्य की शक्ति, उसको क्या क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है? ओम शांति भाई जी। जी नदी है जो बहती जाती है, बहती जाती है, उसमें कितना ही कचरा डालो कितना समाती जाती है, साइड में करती जाती है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कोई भी बुराई हो, कुछ भी हो, कोई कुछ भी गलत सलत बोलो ना, उसमें समाते जाओ, उससे दूर निकलते जाओ, उसको मन में नहीं रखना है। जी ओम शांति। तो उसको अलग अलग क्या क्या नाम हो सकते हैं? पहले आप एक वर्ड में बोलिए, एक लाइन में बता दीजिए, कुछ भी।
जैसे किसी ने चैट विंडो में भेजी है ना, साक्षी होकर के देखना। समाने को एक होना कहेंगे, एक होना। ठीक है ना, क्योंकि बाबा ने भी कहा ना, समाना माना, एक ने बोला दूसरे ने माना, माना समाना, कोई बात अंदर नहीं कुछ नहीं। अच्छा बात है। और ओम चिंतन करना समाने की शक्ति के लिए, और क्या क्या नाम और क्या क्या हो सकता। समाने की शक्ति। ओम शांति भाई जी। जी समाने की शक्ति अपने अंतर द्वंद अंतर मन को के द्वंद को समाप्त करना, जो हमारे अंदर द्वंद चलता है उसको तो समाप्त करना, अंतर मन को शांत करना। जी ओके ठीक है। और जी जी और समाने की शक्ति में कितना भी कोई भी कचरा डाले, हम समाते भी जाए, कोई कुछ भी हमें बोले, अच्छा बोले या बुरा बोले, हम सब समा ले, लेकिन हमारा स्थिति जो है वो बदले नहीं, उसका प्रभाव हमारे पर ना आवे। हम सब समा ले, लेकिन सागर की तरह हम बदले नहीं, पानी साफ ही रहे। अर्थ में बताओ तो थोड़ा सा, हमारा कहने का भाव क्या कि उसका अलग अलग, उसका रिप्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है। जैसे भी चैट विंडो में बहुत जनों ने अच्छे अच्छे भी भेजे जी एक पावर ऑफ कि एक्सेप्टेंस, बट हम और हिंदी वर्ड्स नहीं जानते, सॉरी। ठीक है ठीक है। आत्मसात कर लेना। हाँ एक्चुअली एक्सेप्टेंस है ना, ये सामना करने की शक्ति को ज्यादा मैच हो जाता है, क्योंकि सामना करने में कैसे होते हैं कि उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। समाना मना एक अलग बात है वो थोड़ा। ठीक है जी नीलम बेन जी। जी साइलेंस की पावर को बढ़ाएंगे तो हम साक्षी दृष्टा का भी अभ्यास हो जाएगा, तो समाने की शक्ति बढ़ जाएगी, रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके और निंदा स्तुति में एक समान शब्द इंद्र सुख। ओके समाने की शक्ति से गंभीरता का गुण आ जाता है भाई जी। ओम शांति भाई जी। गंभीर सहन सहन शक्ति से किसका भी दिल को नहीं लगाना, सहन करना है भाई जी, किसी बात को भी मन के ऊपर नहीं लेके आना, ठीक वही है। बहुत सा। मन पर दिल पर कोई बात नहीं लगाना। हो भाई जी। सरल स्थिति जी विजय भेज बोलिए। 100 जन्म सबसे में प्यार से रहना, सभी के साथ प्यार से रहना। कौन सी शक्ति के लिए बोला आपने? सामान्य की शक्ति। सामान्य की शक्ति, सभी के साथ प्यारों की। भाई जी आप ऑडिबल नहीं हो, 3 जनों का हैंड रेस है, बोले हम इसको। नीलम हाँ दीदी जी आप हाँ बोलिए। जी बोलिए। नीलम दीदी बोलिए। विजय भाई नेक्स्ट रेखा बहन शक्ति, बोलिए। हाँ नेक्स्ट शक्ति लेकर। ओम शांति। जैसे पवित्रता में सातों रंग समाए होते हैं, तो समाने की शक्ति के लिए क्या बता रही हूँ मैं, उसका दूसरा नाम पवित्रता भी बोल सकते हैं, लाइक डायमंड। ओम शांति। थैंक यू बेन। विजय भाई हाँ, मैंने सामान्य की शक्ति के साथ मैंने बताया सभी के साथ प्यार से रहना। जी शुक्रिया। नीलम जी
ठीक है। नेक्स्ट शक्ति लेने बोला है भाई जी ने। नेक्स्ट शक्ति चलो परखने की शक्ति लेते हैं। कौन सी भी शक्ति सामने आती है ना, पहले उसको देखो, जैसे परखने की शक्ति, उसमें क्या चित्र पहले दिखाया हुआ है। एक असली जोहर, एक असली सोना, नकली हीरा, उसको परखता है ना। तो इसके बदले में क्या हो सकता है, उसको हटाना है और दूसरा चित्र भी डालना है और नाम भी डालना है, बस। जौहर शक्ति। ओके, नेक्स्ट। ओम शांति। होली हंस। होली हंस, देखो ये भी अच्छा है ना कि मोती और परखने की शक्ति होती है। कंकड़ को चूकना हो। भाजी थोड़ा अतरंगी एग्जाम्पल है। शर्लॉक होम्स जो डिटेक्टिव है ना, वो फिक्टिशियस डिटेक्टिव, पुलिस का डिटेक्टिव। अच्छा, होलियंस परखने की शक्ति में भी आएगा, निर्णय करने की शक्ति में, दोनों में आता है होलियंस। तो होलियंस पहले परखता है, फिर निर्णय करता है, फिर धारण करता है। जैसे दूध और पानी को अलग करता है, मोती और कंकड़ अलग करता है। ओम शांति। जी थोड़ा और गहराई में जाना कि क्या उसमें डिफरेंस है, परखना माना क्या। आज बाबा भी कई बार कहते हैं ना कि दूसरे व्यक्ति को भी परखना है, व्यक्तियों को परखने की भी हमें, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी आते थे तो किस भाव से आया है, उसके मन में क्या चल रहा है, इसको भी बाबा परखते थे। संकल्प अन्वेषण शक्ति, शक्ति, अन्वेषण शक्ति, ओके, जांचना, जांच करने के लिए। जी, ओम शांति भाई। दूध का दूध, पानी का पानी। ओके, ओम शांति। बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर। लाइन क्लीन और क्लियर, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ना कि परखना माना क्या, लाइन को क्लीन और क्लियर रखना। इसको ही बाबा कहते कंट्रोलिंग हैं टचिंग पावर और कैचिंग पावर ना, कंट्रोलिंग पावर पावर। ये तो उससे परखने के एक बाद बोलिए बोलिए सर। बढ़ती है भाई जी उससे, और उसके जी जी मैं दूसरे का मन जी का संकट जान सकते हैं कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से। ओम शांति। जी तारा बेन जी बोली। जी त्रिनेत्री, त्रिनेत्री बोल सकते हैं। थर्ड आई जब खुला रहता है तो हम परख सकते हैं। जी बुद्धि रूपी नेत्र को परखना, बाबा बोलते हैं परखने के लिए बुद्धि रूपी नेत्र कैसा चाहिए, क्लीन और क्लियर। जैसे इस आंखों में कुछ धूल होती है तो दिखता नहीं है, अच्छी तरह से परख नहीं सकते। दिव्य दृष्टि। ओम दिव्य शांति। दृष्टि, ठीक है। ओम शांति भाई जी। मैं बोलूं, पहचानने जी बोलिए ना, पहचानने की शक्ति। की शक्ति। ओम शांति। जब शुभ कामना, शुभ भावना सबके लिए निकलती है ना, तो टचिंग भी मिलती है सामने वाले से कि एक्सेप्ट किया कि कुछ अलग ही समझ में आया हूं। ओके okay। ओम शांति भाई जी। बोले बोले। एक तो इसमें दिल की सच्चाई और सफाई चाहिए, और व्यर्थ से बिल्कुल हम मुक्त होंगे तो हम परखने की शक्ति हमारी ऑटोमेटिक ही काम करेगी। क्योंकि इसमें बाबा ने एक मुरली में बोला था कि थोड़ा भी अगर व्यर्थ होगा तो एक पहाड़ मुआफिक रुक जाएगा और फिर तुम परख नहीं पाओगे सामने से। ओम शांति।
दिव्य सच्चा दीदी की सौदा, गोल्डन गिफ्ट कह सकते हैं, सच्चा सौदा क्या बोला? कौन सी सच्चा गोल्डन गिफ्ट? दिव्य बुद्धि की गोल्डन गिफ्ट, दिव्य नेत्र, ओके, सच्चा सौदा खरीदना, सच्चा ये क्या सौदागर कहते बोलो, सच्चा हैं? हाँ सौदागर बाबा जैसे बोलते हैं ना। कोई भी चीज लेते हैं, घड़ा भी लेते हैं ना, ठोक बजा के लेते हैं तो परख के लेते हैं, कोई भी चीज लेते हैं परख के, सच्चा सौदा खरीदना। ओम शांति। ओम शांति भाई सही, जी। एक्सरे, एक्सरे मशीन, उसमें सब दिखता है। छंटाई करना, अच्छा संकल्प जैसे, शक्ति, हाँ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, श्रेष्ठ शक्तिमाना, शुभ भावना, शुभ कामना और श्रेष्ठ मनोभावना। ओके। फर्क ना माना उनको हम आईना भी बोल सकते बाबा, बोलते ना आईने में देखो क्या हमारे अंदर क्या क्या है, गुण कितने हैं, अवगुण कितने हैं। ठीक है, तो ये सारे देखो, ये योग में भी हमें थोड़ा इसका चिंतन करना है कि अभी सबका चिंतन तो हो गया ना, तो कल अमृत वाले भी इसको थोड़ा और ऊपर और गहराई में जाना कि क्या क्या बोले हैं, थोड़ा थोड़ा याद रखना निर्णय के लिए क्या क्या, क्या बोल सकते हैं भी। आश्चर्य रिपन, ओके, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए किस गुण की आवश्यकता है पता है क्या? परखने की, पहले परखना चाहिए, परखने की फिर निर्णय हो। जी, वैल्यूज कौन सी चाहिए? ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का वही गुण, क्लीन एंड क्लियर, निस्वार्थ, कि ज्ञान की शक्ति। निस्वार्थी गुण होना चाहिए, ओके, और समभाव। प्रायोरिटी, जब हम निर्णय करते हैं तब प्रायोरिटी इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है तो ऑटोमेटिकली निर्णय सही होगा। शांत क्लियर मन बुद्धि भाई जी, समभाव भाई जी, दिव्य सबके लिए। बुद्धि होने से निर्णय कर सकते हैं, बाबा की दिव्य बुद्धि गिफ्ट बोलते हैं ना, बाबा दिव्य बुद्धि बनने से निर्णय शक्ति करेक्ट लेते हैं भाई जी। ओम शांति भाई जी। अंतर्मुखता, सेवा भाव, ओके दयालुता, ओके, दिव्य बुद्धि, पवित्रता दिव्य चाहिए ब्रदर, आत्मिक पवित्रता। आत्मिक स्थिति में स्थित रह कर भी हम सही निर्णय ले सकते हैं, आत्मा अभिमानी, ओके, रहम दिल बनकर भी हम सही निर्णय ले सकते हैं। पहले की स्वच्छता जब होगी मन में तो भी निर्णय शक्ति हम कर सकते हैं अच्छा से। ओम शांति। जी ये ध्यान रखेंगे कि बाबा इस समय क्या निर्णय लेते हैं, तो हमें भी उसी हिसाब से निर्णय लेना। अच्छा, बाबा ने उस समय क्या निर्णय लिया लेते हाँ हैं तो बाबा, उसमें ओके। हाँ बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें भी क्या निर्णय। ओम शांति भाई, ये भी बोल सकते वेट मेजरमेंट, तराजू। वो तो ऑलरेडी दिखा है उस अष्ट शक्तियों में, तो अच्छा, देखो यह सबने आपने अपने अनुभव बताया कि निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए किस किस की जरूरत है, किस किस गुण की जरूरत है, क्या क्या करना जरूरी है। ये आपको इसलिए पूछा है क्योंकि हर एक के जीवन में ये आता ही है ना कि क्या करो, इसमें इस मार्ग से जाओ या उस मार्ग से जाओ। अभी तक भी कितने जनों के मन में आता है क्या करो, तो निर्णय शक्ति को बढ़ाना है ना, इसके लिए थोड़ा और उसके ऊपर डीप आप स्टडी करना कि मुझे बढ़ाना है। तो ऐसे ना कोई कि बादलों जैसी स्थिति ना को नहीं चाहिए कि कंफ्यूज मोड, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, ये भी करना है वो भी करना है, क्योंकि कई बार ब्राह्मण बच्चे भी ज्यादा कंफ्यूजन में आते हैं, सही तरह से निर्णय नहीं कर सकते। जी
इस शक्ति को भी थोड़ा और गहराई में सोचना, कितने परसेंटेज उसका हमने यूज किया है और उसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है ना, बस सभी ने राइट आंसर दिया। वैसे रॉन्ग आंसर किसी के भी, कभी किसको लगता है कि आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो निर्णय शक्ति बढ़ेगी, कोई कह रहे कि मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आना चाहिए, कोई कह टचिंग पावर, सब बराबर है, लेकिन हमें उससे फायदा हो रहा है क्या ये भी चेक करो कि सचमुच निर्णय शक्ति बढ़ती है क्या। वैसे तो निर्णय शक्ति बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा ज्ञान ही चाहिए, क्योंकि इतना अज्ञान अगर अंदर है तो शक्ति बढ़ेगी भी नहीं, तो ज्ञान की पावर को बढ़ाना। ठीक है, ज्ञान से ही बुद्धि तीक्ष्ण बनती है, स्वच्छ बनती है, हमसे बुद्धि बनती है, उसी से ही निर्णय बढ़ती है। वैसे करेक्ट, वैसे करेक्ट। जी। और मन की सफाई, सच्चाई, सफाई, सादगी। ओके निर्भयता से भी भजी वो निर्णय शक्ति बढ़ती है। जैसे ओम भोजन शांति। एक एक बल एक भरोसा एक नामी सोल कॉन्शियस, अच्छे। हाँ ठीक है, और ओम अनुभवी मनुष्य शांति। बनने से भी निर्णय शक्ति बढ़ती है। जितना जितना हम अनुभवी होते हैं, अनुभव से निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। इसके लिए ना, हाँ एक एक बात बताना मैं भूल गया, ये जो अभी चल रहा है ना पितृ 15वड़ा, 15 दिन के लिए, तो हमारे एक एक पूर्वज है ना उनका भी स्टडी करना, जैसे दादी चंद्रमणि दादी है, प्रकाश मणि दादी है, रोज एक एक व्यक्ति का, माना हमारे महारथी दादियों का थोड़ा सा पढ़ना भी है या तो सुनना है और चिंतन करना, क्योंकि इन्होंने उस टाइम पे कितने अच्छे अपने बाबा बोलते हैं ना ज्ञान को कितने अच्छी तरह से धारण किया है। ठीक है ना, तो उनके ही बाबा कहते हैं ना कदम के ऊपर कदम चलाना है, तो ये भी आप कर सकते हैं ये पूर्वजों के साथ साथ। ठीक है, जी भाई जी, जितना साक्षी रहते हैं, डिटेच रहते हैं, उतना हमारा निर्णय शक्ति बढ़ती है। क्या ये भी पॉइंट हो सकता है? जी। हमारा उद्देश्य क्या है कि देखो आपने जो बोला ना साक्षी स्थिति में होकर, इसको प्रयोग में लाना कि मुझे निर्णय शक्ति को और बढ़ाना है, तो मैं इस स्थिति में बैठकर निर्णय करूं तो सही आता है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे प्रयोग करना चाहिए। तो इसको साक्षी दृष्टा भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, साक्षी साक्षी दृष्टा माना एक दृष्टा। अलग भाव आता है उसका, तो वो निर्णय करने में साक्षीपन, साक्षीपन, ठीक है, लेकिन साक्षीपन। इसको अगर जोड़ लेना चाहिए तो ये विस्तार को संकीर्ण करने शक्ति में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर साक्षी अवस्था ही होती है ना, साक्षी कुछ नहीं करना, सिर्फ बाबा बोलते हैं ना देखते हुए नहीं देखना, तो कछुए की तरह बैठना हुआ होगा। सरकार का हर विभाग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, तो एक विभाग भी काम ना करे तो काम नहीं चलता, सारे एक दूसरे से लिंक्ड है, बिल्कुल बारीकी से बहुत गहराई से जाकर थोड़ा सूक्ष्म डिफरेंस आता है, नहीं तो जी वैसे भी इन शक्तियों का भी है ना थोड़ा, और भी एक ये है। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया ना, तो आपको आइडिया तो आ गई ना कि कैसा इसका थोड़ा स्टडी करना है, थोड़ा इसका डेमो देखा है आपको, इसी प्रकार हमें थोड़ा शक्तियों को यूज करना है, उसका क्या क्या नाम हो सकता है, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ऐसे ही 7 गुणों के बारे में करो। ये भी एक अलग प्रकार है, तो ये आपको इस थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर क्या करना है,
अलग अलग विधि से जब हम स्टडी करेंगे ना, तो नए नए हमें ज्ञान के रत्न निकालना स्टार्ट होगा। और एक ज्ञान और शक्तियाँ, एक गुण और शक्तियाँ, ये आत्मा के तो मूल आधार है आगे जाने की। आज भी कितनी बार बाबा ने कहा कि बाबा की मिल्कियत क्या है, बाबा की मिल्कियत क्या है, ये थोड़ा हमें ढूंढना है। अब मुझे बताओ कि बाबा से, मतलब बाबा के एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, कोई बता सकते हैं क्या? आनंद। और ओम शांति भाई जी। हाँ, सुख और शांति है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, और पवित्रता है बाबा की मिल्कियत है। ठीक है, गुण बोलो इन इन रैंडम। कल्याणकारी। ओके, और अथक सेवाधारी। हाँ, उसमें गुण में आ गया। अभी उसका गुणों की लिस्ट मत पता ना, कि एक एक लिस्ट का गुण में सब गुण गुण आ गए। बाबा है पतितों को पावन बनाने वाले। हाँ, तो वर्षा क्या मिलता है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। जैसे होते हैं ना मेरे लव की, ज्ञान गुण और शक्तियां बाबा के सभी खजाने यही मिलके थे कि ज्ञान गुण अच्छा और शक्तियां भी दे देते, उसी से हम लायक बन के फिर वर्षा प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग की बादशाही। ओके, वो तो भविष्य में मिलेगी, वो तो फिक्स है ही। अभी प्यार क्या भाई जी, मिलता बाबा की बाबा की है? प्यार। प्यार। ओके, सर्व संबंध का प्यार। प्यार बाबा के साथ प्यार भाई जी। ओके, ज्ञान तो अगर नटशेल में कहे ना, अगर विस्तार में ना जाता, शॉर्टकट में, सभी गुण, सभी शक्तियां, और उसमें और एक है जो खास है, कि जो बाबा का वर्षा बहुत बहुत मूल्यवान है। और कौन कौन सा है जो सबने अनुभव भी किया है? कंबाइंड स्वरूप बाबा मिलन मरान कंबाइंड स्वरूप। और अतीन्द्रिय सुख भाई। हाँ, बहुत अच्छा, ये अतीन्द्रिय सुख है ना, ये सबसे बड़ा वर। हाँ, बोले बोले। एक अतीन्द्रिय सुख भाई जी, और एक संतुष्टता की जो मतलब संतुष्टता का खजाना हमारा है वो सबसे बड़ा खजाना है। जी सत्व प्रधान वन ऊंट पद पाने का भी हमें एक अच्छा अवसर मिलता है, ये भी हमारे लिए एक ऊंचा अवसर तो है। वर्षा का मतलब क्या है, कि सबको एक जैसा मिलना। देखो, अभी देखो, एक बाप है, उसको 5 बच्चे हैं, कोई अच्छा है, कोई उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, लेकिन जब वो वर्षा बांटता है तो सभी को एक जैसा ही बांटता है। वैसे ही बाबा ने सबको गुण दिए हैं, सबको शक्तियां दी है। अभी ये जो अतीन्द्र सुख के बारे में इसलिए हमने पूछा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बाबा का वर्षा है जो सभी को मिलता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, कई बार गोपी बनकर बाबा के साथ अतीन्द्र सुख का वर्षा लो। क्यों ऐसे बताया? क्योंकि अगर वो अतीन्द्र सुख का अगर वर्षा नहीं लेंगे ना, बाबा से सुख नहीं लेंगे, तो इंद्रियों का सुख आपको उसके तरफ मन बुद्धि जाएगा। जैसे संस्कार बाबा के, मिलन भी कर सकते हैं उसमें। जी, जैसे बाबा के साथ सर्व संबंधों का मिलन नहीं मनाया, तो सारा दिन अगर किसी न किसी संबंध में हमारी बुद्धि जरूर जाएगी, क्योंकि बाबा से संबंध जोड़ा ही नहीं था। हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि बाबा से अगर नहीं वर्षा ले रहे, तो स्थूल व्यक्तियों से आपको लेना पड़ेगा। इसीलिए बाबा से वर्षा लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गुणों का वर्षा, शक्तियों का वर्षा, अतीन्द्रिय सुख है, ये बहुत सारी बातें है ना। अनकंडीशनल लव मिलता है बाबा से हमें। जी, ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए बताया कि ऐसे हमें थोड़ा गुणों का भी अभ्यास करना है, शक्तियों का भी अभ्यास करना है, और अपने अवस्था को थोड़ा और ऊंचा करना है।
हर बार क्या होता है योग में, वही वही बातें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। हो गया अभी आपने वो स्टार्टिंग में अभ्यास किया, अभी इस प्रकार का नया योग का अभ्यास स्टार्ट करो, कुछ नवीनता करना, तब आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आपको इसलिए शॉर्ट में बताया कि ऐसे ऐसे कुछ ज्ञान रत्नों के साथ खेलो। अच्छा, और किसी कुछ बताना है, और किसी को ऐसा कुछ खास कुछ करना भी है तो भी हमें पर्सनली बता सकते हैं या किसी भी ग्रुप एडमिन को बता सकते हैं। भाई जी 108 सामान आप भेज सकते हो उस पे व्हाट्सएप पर। ठीक है, अभी मैं भेजूंगा 10 मिनट के बाद, कॉल समाप्त होने के बाद। तो ऐसा अगर कुछ को किसी को कुछ अगर कुछ खास किसी का मंथन चला, खास अभ्यास किया, तो थोड़ा ग्रुप के सामने भी आप बताओ, बिल्कुल अच्छी तरह, क्योंकि आप नए परिवार है ना, तो बताते चलना, क्योंकि आपके अनुभव से पता नहीं औरों को भी अनुभव हो सकता है। तो थोड़ा सा क्या करना, इसके बारे में चिंतन करना, और ऐसे हम बफर डे में ना अलग अलग बाबा के योग के प्रयोग ज्ञान का गहराई में और जाएंगे। और ये जो अव्यक्त मुरली है ना, इसका आप खुद रिवाइज करते भी रहना, ऐसे नहीं कि रिवीजन नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली कई कोई भी मुरली हो उसके भी चिंतन में करना फिर, क्योंकि ये हमारा अभ्यास है ना, तो थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी चाहिए, पिछली कुछ मुरलियों का भी रिवीजन चाहिए, सब करना है। ठीक है, ओम शांति भाई जी। एक बात कहना चाहता हूँ मैं, ये मिस प्रिंट बीच में बड़ी आती है, ये जो मुरली भेजते हो, एक बार जरा स्टडी करके अपलोड करें। जैसे हमारे की जा जमारे जमारे पता नहीं कितनी बार आ गया, कल भी और आज भी, और तो पता ही ना लगे, मैं ये सोच रहा था कि कोई सिंधी शब्द होगा, तो काइंडली एक बार प्लीज ठीक है रिक्वेस्ट है। ठीक है ओम ठीक है, मैं ओम शांति भाई जी। मुझे 18 तारीख की मुरली में से एक बाई प्रांत शब्द समझ में नहीं आया, वो मैंने उस दिन भी पूछा था। कौन सा शब्द, बाई प्रांत, बाय बाई प्लाट्स, प्लॉट्स साइड मीन्स साइट सीन्स। सीन, जो हाँ, साइट बाकी बाई प्लॉट्स जो ही है, हमारे धर्म की। बाई प्लॉट्स। जी तेजल बहन जी बताइए। हाँ जी, जो हम से फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी बात करने के लिए हम बैठते हैं योग करने के लिए, तो उसमें आजू बाजू की बहुत सारी बातें याद आती है हमें। तभी हमारी बुद्धि कहीं कहीं जाती कि ओ मैंने दूध तो नहीं रखा है, मैंने गैस बंद किया है, मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, ये मुझे काम करना है, ये बाकी है। तो ये जो सब जो बातें याद आती है योग के वक्त, सेवा भी अगर याद आती है तो उसको साइड सीन बाई प्लॉट्स कहेंगे। तो हमें उसमें ध्यान नहीं देना है, हमें जो नक्की करके बैठे वो करना है, उसको साइड सीन्स कहेंगे। ठीक है। आई थिंक थैंक यू इनका थैंक यू। क्वेश्चन इसके ऊपर था कि संगम युग और सत्युग के बीच का कुछ बाई प्लॉट कुछ वर्ड था, हाँ वो हाँ यही सेंटेंस था। के साथ उनको समझ में नहीं आया था कि संगम हाँ युग और सत्युग के शब्द के बीच में बाई प्लॉट आया तो इसका मीनिंग क्या होता है। आई थिंक उनका एक्सप्लेनेशन वो चाहिए था। धर्म धर्म जो बाकी धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म वगैरह, ये सारी वाई प्लाट्स ब्रांचेस, ये बाबा ने ये क्लियर किया उसमें, फिर जितने भी वो तो उनको बौद्ध। बोलना पड़ेगा क्योंकि हमें भी याद नहीं है अभी कि क्या क्या वो था मुरली में महावाक्य बाबा का कि वो ये था, कौन। सूर्यवंशी थे फिर चंद्रवंशी, बाकी बीच की जो बीच में तो वाई प्लॉट्स था बस। यह सिर्फ एक खेल है ऐसा भी लिखा अच्छा, करता था। जो बाबा कहते हैं ना, ये पूरा नाटक आपके ऊपर आधारित है, आप ही मेन उसके नूर रत्न हो, अगर आप नहीं तो सब अंधियारा है। तो हम हीरो हीरोइन है और बाकी जो भी धर्म वाले हैं वो सब बाई प्लॉट्स है, उसका ये मतलब है। हम ही मेन है और ये नाटक हमारे पर ही बना हुआ है, इसलिए बाबा हमें ही फिर से बनाते कि बच्चे जागो
और तुम फिर से अपना साम्राज्य लो, तो ये जो फिर विस्तार जो हुआ है ना उसको ऐसे एंड करेंगे। तो ये सब विस्तार ड्रामा में, बाकी सब बाई प्लॉट्स है, हम हीरो हीरोइन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू तो जी। अभिजीत भाई जी, मुझे ये पूछना था, हमारी जो एक वाणी रह गई है, आई थिंक मैंने अपने एडमिन ग्रुप में पोस्ट भी किया था, वो भी हमें 81 खत्म करने तक करनी है, लेनी है, जो 14 या 12 अक्टूबर की जो प्रिंट नहीं हुई है बुक में, वो हमें लेनी है, तो वो भी पढ़नी बाकी है अभी। अगले अगले सैटरडे पढ़ते हैं उसको, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ये जो सीढ़ी का चित्र है ना, उसमें बाई प्लॉट्स नहीं आता है, और कल्पवृक्ष का जो चित्र है उसमें बाई प्लॉट्स दिखा है, उससे भी हमें क्लियर स्पष्ट हो जाए। ओम शांति। ठीक है, अभी टाइम भी हो गया ना, तो हम इधर ही 1 मिनट साइलेंस करके रुकते हैं। ऐसा चिंतन क्यों करना चाहिए ब्राह्मणों को भी, क्योंकि नए नए कुछ पॉइंट्स निकलते हैं ना, पता नहीं अभी इतना सारे शब्द तो हमने कभी एक जन तो नहीं कर सकता ना, तो थोड़ा सबका चिंतन सुनकर हमारी बुद्धि को भी और ट्रेस देने का कि क्या हो सकता है उसका, और क्या मीनिंग हो सकता है, कैसे जीवन में धारण करना है, थोड़ा थोड़ा बातें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कल के लिए ना सुबह अमृत वेले के लिए होमवर्क, इसके सारे जो अभी है ना नाम उसको याद रखना, और अष्ट शक्तियों का खास अभ्यास करना। ठीक है, चलिए ठीक है, हम 1 मिनट साइलेंस रखते हैं, फिर रखते हैं। चलो, गुड नाइट सभी को, ओम शांति, थैंक यू।